राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और 7 बजे का टाइम है और देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया। धूप निकल गई है, सूर्य देवता भी आ गए हैं हमारे और कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल चुके हैं। आज टाइम से धुल दिए थे क्योंकि मुझे कहीं पे जाना था। और ये है हमारे सामने ही पार्क। पूजा पाठ भी जो है वो मेरी हो गई है। और ये देखिए पौधे मेरे कितने अच्छे चल रहे हैं, पर इनके लिए भी मिट्टी नहीं आई है। वो जा रहे हैं अभी दूध लेने के लिए, बंदर आते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना दुपट्टा, चश्मे वगैरह सारी चीज़ें जो है निकाल ली हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी आज कई दिनों बाद वीडियो जो है वो शुरू किया है और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। जा रहे हैं हम कहीं पे, तो अभी तो फ़िलहाल ये गए हैं दूध लेने के लिए, तो दूध लेकर के आ जाए। बाकी का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, मैं रेडी हो गई हूँ। और बाकी की छुट्टी है आज की, दोनों बच्चे सो रहे हैं। मम्मी आ गई थी शाम के टाइम में बच्चों के पास छोड़ने के लिए। अनाया जो है वो सिर्फ मम्मी के पास रह ले रहती है, बाकी उसको कहीं पे ले जाना, जैसे मैं अपने काम की वजह से जाती हूँ तो उसमें मैं अनाया को लेकर के नहीं जाती। एक दो बार लेकर के गई हूँ, बहुत परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैं मम्मी को बुला लेती हूँ शाम के टाइम, मम्मी आ जाती है। तो ये है कि बच्चों का थोड़ा सा वो हो जाता है और टेंशन फ्री होकर के चले जाते हैं। और अभी तो क्या हो गया है, पहले तो मैं टाइम लेकर के बीच में जाती थी, मतलब अभी हर हफ्ते का हो गया है मेरा जाना। तो थोड़ा सा भी काम को भी आगे की तरफ बढ़ाने का भी है थोड़ा, कि थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा करके चलते हैं काम को। और अभी नींद आ रही है बहुत तेज़, क्योंकि रात हमने 2-2.5 बजे तक पैकिंग की है क्योंकि कोरियर निकलने थे आज और 2:30 बज गए थे हमको पैकिंग करते करते। बस ये है कि सारी पैकिंग हो गई थी और सर में भी दर्द हो रहा, देखो आँख भी मेरी कैसे स्वेलिंग कर रही हैं बहुत ही ज़्यादा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मम्मी को भी दी थी। तीसरे दिन से आराम लगना शुरू हो गया। वो भी जा रही मूर्ति बुआ की। मतलब कि परहेज जब लो तो रखना पड़ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम घर से निकल लिए हैं और सुबह का टाइम हो रहा है। ये टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, 8:30-9 बजे का टाइम था ये। तो छुट्टी वाले दिन ही जो है, जब इनकी कोर्ट की छुट्टी रहती है और बाकी के स्कूल की छुट्टी रहती है, तभी जो है ये सारे काम हम अपने करते हैं। और थोड़ा सा मतलब टाइम दे करके चलना पड़ता है। अगर आप अपना कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको देखिए टाइम तो चाहिए ही। दिमाग सब कम है, अरे डबल चढ़ाओ इधर और चोट मारा ली। पापा जी बिस्कुट उस्कुट लो कुछ। पापा जी प्रिंत भाई बिस्कुट वगैरह लो कुछ। बस जी ये बंद खावे क्या बिस्कुट सर। खिड़ना जावा बजे खिड़ना जा, खिड़ना जावा का सहज में कभी खिंड जा गिर जा। गर्म है तेज बिस्कुट लेना। इसमें रख रही साइड में, पर इसमें गहरा है। आज मैं तो कर्म हम गुलाम भी आया चार पाँच जगह निकले वाला जो पार्टनर है वो का जान कहल का दोस्त किया तेल को पंग करा हुए। तो
गर्म हो जाता है। रुमाल तू पकड़ना हो चाहे रुमाल तू चाहे पकड़ तू कौन? एक छोटी तो जी अभी हम जो है पहुंच चुके हैं। आज का मौसम भी ठीक हो रहा था और हम जो है साथ में पापा जी को लेके आए थे। पापा जी को कहीं पे इंजेक्शन लगवाना है हमें। पापा जी को जैसे कि सांस की प्रॉब्लम रहती है तो इसीलिए तो उनको इंजेक्शन भी लगवाना था। तो वो सुबह सुबह में ही हमने बुला लिए थे तो उनको इंजेक्शन भी लग जाएगा। और इंजेक्शन जो है वो लगेगा संडे के दिन और एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अभी पापा जी को जो है बुआ जी के यहाँ पे छोड़ दिया है हमने और हमें जिस काम से जाना था अपने हम निकल चुके हैं। और पापा जी बीच में जो है हमारी बुआ जी का गांव पड़ता है तो बुआ जी को हमने वहाँ पे छोड़ दिया है। छोटो का फ्रॉक कहाँ है भाई? मैं नहीं दूंगा। भाई रे भाई थारे यही रोने नहीं जाते। वीडियो शुरू नहीं, वीडियो शुरू हो तो ये बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। बुढ़ा पारा देखो अजी बुढ़ापा से बार बार कटवा तो अभी देखो में किसी के बाल धोने हो अजी। हाँ वो तो प्रिया सोने वोने का थोड़ा टेंशन है। आराम ना तुम्हें मिलता बिल्कुल भी ना हमें मिलता। थोड़ा सा आराम मिलेगा तो बहुत फिर से एकदम सेट हो जाएगा मामला ढंग से। अब चलते हुए तो चक्कर आवाज इतनी बुरी आ रहा था, नींद वींद पूरी नहीं हो पाती ना प्रिया की ना हमारे दोनों ही मामला ठप रहा दोनों का। चेहरा बहुत देखो मलिंगा हो गया मलिंगा। वो था क्रिकेटर था श्रीलंका का मलिंगा, पूरा नाम तो पता नहीं मलिंगा जैसे बाल हो गया। तो वो बहुत पैसे वाला क्रिकेट आदमी हम स्ट्रगलिंग सोसाइटी के स्ट्रांग होने वाले लोग ठीक है। मतलब दिन चाय पर दिन रात से कितना खुश आज चाय पी लो, रात को 12 बजे चाय चल रही है। जिंदगी ऐसी हो गई बस रात को 12 बजे कटो भाई खुद ही काट दिया मिला के। तो जब हम कोई भी अपना एक्स्ट्रा कोई काम करते हैं तो वीडियोस पे बहुत ना ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ध्यान जो है वो कम हो ही जाता है। और ये मेरी राधा जी की मेरी छठी थी तो मैंने उनके लिए खाना बनाया था और छठी स्पेशल खाना। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो चावल और जो जिसको हम तो छुआनी बोलते हैं कहीं कहीं पे इसको हरीरा भी बोला जाता है वो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी जो है भोग तैयार करना था। और अंकल जी भी आए हुए हैं तो थोड़ा यही था कि टाइम से खाना भी बन जाए। तो बस यहाँ पे जो है अभी मैंने टमाटर हरी मिर्च मेथी जीरा थोड़ा सा हींग सारी चीज़ें डाल करके
उनको मैं यहाँ पे अच्छे से पका रही हूँ। दूसरी साइड जो है मैंने कढ़ी को रख दिया है, इसमें मैंने बेसन डाल के हल्दी मिर्च नमक ये डाल के इसमें उबाल लगा लिया है। इधर मसाला तैयार हो गया तो ये कढ़ी जो है मैं उसमें डाल दूँगी। तो जी हमारी कढ़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। चावल मैंने पहले ही कुकर में बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो कट किए थे, उनको घी में भून लिया है। कनी भी मैंने जो है वो अच्छे से घी में भून ली थी। और बस अभी जैसे ही खाना जो है वो बनके तैयार हो जाएगा, वैसे ही सबसे पहले जो है वो राधा रानी को मैं भोग लगा दूंगी। और इसी में जो है अभी पानी डाल देते हैं और फिर मीठा डाल देंगे और फिर अच्छे से इसको हम खदका लेंगे। तो जो हमारा हरीरा है वो बनके तैयार हो जाएगा। और इसमें कनी तो सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें मतलब टेस्ट ही जो है वो कनी का आता है। और ये प्रसाद यहाँ पे बन रहा है तो बस इसमें मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत सारे डाले हुए थे। और बस यहाँ पे हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। और कढ़ी आप लोग देख रहे हो अच्छे से जो है हमारी कढ़ी भी बॉईल हो गई और काफ़ी टाइम बाद मैंने कढ़ी बनाई। और अभी जितनी पैकिंग हमसे हो पाई हमने उतनी पैकिंग कर ली है और बाकी की पैकिंग जो है वो हमने अभी छोड़ दी है, वो करेंगे हम सुबह में, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। 2 बजे का टाइम अभी हो रहा है। तो जी बस अभी इस काम को तो यहीं पे रोक देते हैं। सुबह का सुबह देखेंगे, मैं थक गई थी तो मैं टेबल पर ही बैठ गई आके।